कल तुम नहीं हो, कैसा नाटक बना है? ऐसा नाटक बनाते हैं तुम? आए गए की सबकी बेइज्जती करते हो, तुम शर्म नहीं आती? पकड़ कर बाहर काट दूंगी। हाँ कदे घर आप अपने रहो तुम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे सब, आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। गाइज कमेंट करके बताना मेरा ये सर्दियों का सूट कैसा लग रहा है। और मैं खाना वाना बना के आ चुकी हूँ अभी, और बस खाना बाकी है। पापा भी आ रहे हैं, पापा बहुत जल्दी जाने की कह रहे हैं कि मैं थोड़े दिन रुकूंगा। तो साफ सफाई कर रहे थे हम उस रूम की, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। तो सारा ड्राइंग रूम सेट करके तब आपको दिखाएंगे कि हाँ हमारा ड्राइंग रूम हमने बना लिया है। और मम्मी पापा का रूम कौन सा होगा वो भी बना लिया है। तो बहुत ज़्यादा सामान था, मतलब आपको व्लॉग में दिखाओ इतना सारा सामान कैसे कहाँ एडजस्ट होगा पता नहीं। अभी चल रहा है काम थोड़ा थोड़ा। तो गाइज, और एक बात, पापा ने देखा कल का व्लॉग जो तुषार की इंसल्ट वाला था व्लॉग, जो आशीष ने प्रैंक करा था मेरे ऊपर, वो पापा ने देख लिया। पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि सारे का हमारी बेइज्जती करा दी तुमने, तुम कैसे कैसे व्लॉग बनाओ। तो अभी पापा आशीष ने नीचे बुलाओ थे, लेकिन वो जाता को नहीं। बाकी देखते हैं पापा, अब यो ना जागा था पापा ऊपर आओगे, बात देख के मुंह बनाए बैठा है। अब डर के बैठा जी है, अब क्यों डर रहे हो? ऐसा प्रैंक करने से पहले सोचना चाहिए ना आपको। जाओ नीचे, काम करूंगा अपना। पापा ऊपर आ देंगे फिर क्या होगा, काम का फिर भी तो छोड़ोगे। जाओ, मैं रहता। अरे जाओ ना, देखो तो सही क्या कहेंगे। अब जाते कोनी, पहले ऐसा प्रैंक करेंगे और फिर जाओ कोनी। मम्मी ने तो, मम्मी तो इतनी गुस्सा ना हुई, पापा ज्यादा हो रहे हैं बल्कि। क्या थी के कहे गई थी नीचे, क्या बोले? गुस्सा कर रहे थे मेरे पर भी तेरे पर भी, कि यो कोई थारा मतलब बना, तुम थारे बस की ना लोग ढंग के बनाने तो बंद कर दो। तो प्रैंक था पता है उन्हें? पता है उनको, फिर भी और बतेरे प्रैंक हो करन ताई। कहते उन्होंने नीचे बुला, घर काम कर रहा है। हाँ काम कर रहा है, जाओ नीचे जाओ। क्या दी काम कर लग रहा है वो? पापा ऊपर आ लेंगे, आपने बेरा पापा का, यहाँ तक कहाँ भागोगे? क्या सो जाऊंगा मैं? अच्छा कल तुम नहीं, कैसा नाटक बनाया है? ऐसा नाटक बनाते हैं तुम? आए गए कि सबकी बेइज्जती करते हो, तुम शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? बैठ जाओ पापा। हाँ तो क्या सोचेंगे? और ना है ना कुछ बड़ा हुआ, बेइज्जती करा दो दूसरे आदमी की, बेइज्जती करते हैं तुम लोग अपने घर वाले समय यहाँ नहीं है। तू तो नमी अच्छी होगी, नमी बढ़ेगी। ऐसे नाटक मत बना, ऐसे मत क्या करो तुम लोग। ऐसे नाटक अच्छे ना लगते हैं, ऐसा काम करो उतना कर घूमता काम। हाँ ऐसा काम मत करिए, आगे था बता दी है। कौन आएगा तुम्हारे घर, ऐसे बेइज्जती करोगे थे तुम लोग? नाटक ही है ना बनाने भाई, मुझे जरूरत ना मन ऐसे अच्छे बनाओ, अच्छे काम करो, अच्छे सुथरे बनाओ, बढ़िया तुम रहेगा हमें बहुत अच्छा। जो देखे हुए क्या कहेंगे, अच्छा बताएंगे तुम? हमने कल देखा था तुम्हारा ये नाटक है, तुमने सारे काम में हमारी बेइज्जती कर दी है, वो क्या कहेगा? ऐसे नाटक मत बना करो तुम लोग, चल मारा करो। हाँ खबरदार से प्रैंक ही तो करा था पा, प्रैंक तो किया था, लोगों को तो अच्छा नहीं लगा ना। कमल क्या कर रही हो? प्रैंक तो तुमने तो प्रैंक कर दिया, जो रिश्तेदार आए थे उनको अच्छा लगा। और नहीं लगता तो रिश्तेदार आए थे, तुम किसे कर जाओगे? तुम सबने बोल डाला था, इसने प्रैंक करा था, मैंने क्या पता ने कैमरा छुपा रखा है। मेरा तो गुस्सा उठ गया था, मैं कहूं क्यों कर बात कर रहे हैं, मेरे मुंह में जो आया फिर मैंने कह दी। बोला है ये भी नहीं बोल रहे थे दोनों, पूछ रहे हैं तू 3 साल तक ये दुखी होगी तई बाप, मैंने गुस्सा दिलाओगे तो कुछ ना कुछ तो बोल लूंगी। बोला झूठ बोल दे, नोली 3 साल तक दुखी हो रही हूं, इस तक कहूं यो नुए करा है कुछ ना कुछ। क्या हम दुखी होगी? कोई दुखी का तो काम है कोई ना, क्या मोई बताओ क्या करया, कोई गलत काम करया हो हमने कोई करया हो, जो काम मत करियो तो आगे तीसरा काम मत ना बढ़िया करियो, बनाओ तो अच्छे ना चल मर, ये जो मैं ये ना देखूं ना अच्छे ना लागते मेरे, खबरदार सही बग करे चीज है ये, बस आए रोगी बार बार ना हो गया, बार बार नहीं करो करे नहीं चाहिए मन अच्छे ना लगे। अगर तुम ऐसा काम करोगे ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे हम, आई समझ में?
हमको यह काम अच्छे नहीं लगते तुम्हारे। कोई भी ना रखा है मुझे काम कौन करा अच्छा लगा मेरे तो बताइए को नहीं सब प्रैंक करूं ना तो मैं भी नाट दूं यार करे तो थोड़ा नू करे भाई बोल रहा है नहीं तू बोल रहा तुम दोनों की एक ही बात तुमने दोनों अंशा कट्टा रोल जा कोई ना करे इतना बढ़िया बनाया तुमने कितना मुंडा बनाया यो अच्छा नहीं लगता है देखा है मैंने आज मैंने के कल देखा है आज देखा है आगे तो ध्यान तो करियो यो काम मत करियो अच्छे काम करियो अच्छे बनाओ मैं देख ले तो तू बाहर कर दूंगी बरते बाहर उड़ा रही हो कि वाटर काट दूंगी पकड़ पकड़ हाथ तेरे हाथ पकड़ूंगी दोनों बाहर गाल कर दूंगी पास कर देंगे चलो निकलो यहां से और पोते रखूंगी अड़े दोनों ने करूंगी चलती पोते ना जू कदम जाना मेरा सो वो जाना मेरा थारा ना है मेरा है ये कम मत करियो बता दी है पोता मेरे बिना रुक गए ना रुक जाए मैं रोक लूंगी मैंने इतने पाल दिए यो ना पाल मेरे तो मैंने पांच पाल दिए आप कर दूंगी मैं पाल दूंगी मैं पाल नाते इस तक हो ना आप इसा प्रैंक ना करे कदे भी यो बैठा इव दे ले तो पर मैंने पूछे तू शार पे मैंने नूला करया था कि मां तू सारी प्रैंक कर ले मैं लला हां सही प्रैंक है हां यो बड़ा प्रैंक करया तो हमने तो सही लग गए और आने तो ना लगता ना लग गया ना बाहर बुझियो किसन के कहेंगे भी सुनो कहेंगे बहुत गुंडा बड़ा है बहुत गुंडा बनाया बेइज्जती होती ना बेइज्जती कर देंगे अरे वो कुछ ना हमने दूसरे बेइज्जती कर दिए मैं बैठा के हर तरह बेइज्जती अब पकड़ कर बाहर काट दूंगी हां हाथा ने कदे घणा वो अपने रहो तू पठे ने दिखा ना पठे ये बोलते क्यों ना करवा दूं यार दुनिया तोड़ उड़ कर योड़ करवा दूं कटवा दूं सारे पठे बोलो प्रैंक मैंने तुषार तो बूझी दी ठीक है वो तो नटेगा वो आपकी वो तो हां भरेगा आपकी बात की नटेगा वो बहुत बढ़िया और लक्ष्य देवी पूछी थी और कोई सा बना हुआ ना सही है प्रैंक था लेकिन हमने यूं ना पता था कि हम मतलब इतना कुछ बोल जाएंगे यूं ना था कितने हो थारी बोल देख कितनी है कितनी उच्च जा रही थारी बोल को सुनागा तो के कहेगा लिपटा जिप्टी भी हो गए फिर मारम पिटाई भी करिए मजाक का नहीं था था तो वो भी मजाक में पर मैंने सोचू जी सीरियसली हो गया क्योंकि मैंने नहीं बेरा था प्रैंक कर रखा इनने यो मत करियो था आगे बता दी है एक बार बर्दाश्त हुआ अगर बार बार बर्दाश्त नहीं होगी मैंने कहा तो एक अन्य का बिना ला गया किसा ही बिना ला गया कोई सवाल नहीं आ देखने में मैंने ये देखे ना इसे ये जो पर हो रही होगा तू मैं बोल अच्छा व्यवहार थोड़ा ही था अच्छा करो ना तुमने दोनों परिवार की बेइज्जती कर दी है ना रिश्तेदार की कर दी अपनी करा ली है हमने ये कमेंट भी पढ़ते हैं ये भी अच्छा नहीं बताते ये भी बुराई बताते हैं पड़े थे हमने ऐसा मत करो आप गए अगर आशा करो तो फिर ऐसा काम मत करो तो छोड़ दो इसको काम क्यों परेशान होते हो बेइज्जती होती है ना बेकार में करो क्या बनाओ तुम ये क्या कुछ भी हो जाए क्या अच्छा लग गया दोनों परिवार का मन मोटा हो जाएगा ऐसे तो आया था मम्मी का फोन भी क्या ठीक है यूं के बनाया तुमने पहले अभी पापा ने डांट लगाई थी किसे काम मत करा कर और फिर तुमने यो ही काम कर दियो मत करियो तो आगे तो धमके बनाइयो इसे गलत काम मत करियो गुंडे हैं ये काम बिल्कुल नहीं तने भी कोई हूँ और इन्हें भी दोनों वाले अच्छे काम कर दिए अच्छे बार बार ठीक रहेगा बाप ना रह रहे तुम बड़े बड़े हो रहे हो बालक बच्चा दार हो गए ना तो उसमें बहुत आ जा है बदलाव हो जाए कुछ बदलोगे तो भाई जब औरा के परिवार भी देखे हैं उनका परिवार भी देखता है समझा ना तो वे क्या सोचते होंगे हमारी बेइज्जती होने लग रही है इसमें अच्छी बात थोड़ा है ये तुम्हारी ऐसे मत करा करो तुम लोग बेइज्जती हो रही है उन्हें क्या सोचा होगा और भी कहते होंगे अब देख अपने रिश्तेदारों की खुद ही बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग भागे कैसे काम करते हैं ये कुछ ना बनाया कर ऐसे नमत बना करो भाई यो काम मत करियो आगे तो बता दी है भाई बहुत गलत काम से हो अच्छा ना है यो बहुत बुंडा है ठीक आगे तो ना बनाओ इसे हाँ देख लियो बनाइयो या बता दी है समझा दिए इसे बार बार समझाया नहीं जा रहा ना भेरा हो तो बालक ने बता दिया बताए थे ज्ञान हो गया एक बार पहले भी बताया था तुम लोगों को और फिर बता रहे हैं बच्चों पर बुरा असर पड़ता बच्चे भी देखते हैं इसको ये लड़का बड़ा होने लग रहा है देखा ये देखेगा तो क्या शिक्षा दोगे इसको तुम लोग इस पर बुरा असर पड़ेगा यो क्या सीखेगा कुछ ये भी नहीं करेगा फिर हाँ। थारे मारेगा दूध ई का मारेगा केर मारेगा हाँ। मारेगा वो दापक काट के दोनों
हमारे लड़ाई झगड़ा देखेगा तो ये भी तुम्हारे साथ नहीं करेगा फिर करेगा नहीं। अगर इसके मामा को या और किसी को तुम लिपटा झपटी करोगे तो नहीं चिपटेगा, ये तुम्हारे साथ ये आशीष लिपटा झपटी करेगा तो ये अपनी माँ की मेहर नहीं लेगा। हाँ तो ये भी चिपटेगा फिर मन मुटाव नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा कराया करो, इसे मत कराया करो, इसे करो बतेरे सब इतने बढ़िया बतेरे सब डाल के हैं ये अच्छे लग गए तुमने जब बोलो ला रहे देख ले मार ला रहे रुके क्या हुआ लड्डू अपने पापा ने अपनी मम्मी ने मृत मृत के कर रही है भी दिखा देने फिर तुमने भी तो कही थी नूले के तीन साल तक मैं परेशान हो रही हूँ हो गया वो मैंने गुस्से में कही थी ना कही थी घर वाला की तरफ से मैं देर तक कहूँ थी कि आपके बिहेवियर की वजह से आप यू करे जाओ तीन साल तक ये परेशान होगी भाई तू क्या की कमी रह गई यार कोई कमी ना है फिर गुस्से में दुनिया तुम सोचती होगी कि बेरा ना तीन साल का भाई कति दुखी कर रहा है ना कम कर दिया जवाब दे मेरे साथ कुछ ना हो रहा मैं ठीक हूँ मैं आपकी कहूँ मम्मी पापा की ना कहती ना घर क्या की कहती आपके अंदर किससे हो बात में छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाओ गुस्से तो काम ना चलता गुस्से तो काम ना चल प्रेम तो काम चलते मैंने क्या कर दिया मैं ना रहता तीन साल में दो तीन बार आया हुआ बच्चों ये तो बोलती नहीं ये तो कुछ नाटक में लिपटा झपटी भी करी तुम्हारे साथ में बोलती मैं छुड़ाऊं थी इन्हें छुड़ा दी थी और ऐसे छुड़ा जाता है ये मेरे पास माँ है दोनों अननु कर रही थी दोनों हटो पीछे लड़ाई क्यों करो बाइक में ले रही थी मैं दोनों अननु छुड़ाऊं थी बीच में थी ना ये बीच में बड़ा मैं लड्डू ने ले रही थी ना छोड़ कर मतलब तुम लड़ो क्यों हो छोड़ दो एक दूसरे ने नहीं उन करा उन्होंने उन करा या तो बीच में बच गई ना फिर या के करे मैं तो हुआ कि मेरे इनको थोड़ी ले इसको वो मेरा भाई है ये पति है करना पड़ा है क्या कराई वो बैठ के ना पड़े कर देखे फिर प्रैंक तो यूं ही कर रहा था बदतमीजी ऐसा काम करो ही क्यों हो तुम लोग जो तुम्हें तुम्हारे बीच में कचराए अच्छे करो ना बढ़िया करो तुम्हारे इनके उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो ऐसा क्यों करते हो तुम लोग उन्हें तो पता था कि प्रैंक को मैंने क्यों मेरा था तो हमें क्या पता तुम प्रैंक कर रहे हो कि तुम असली में लड़ाई कर रहे हो हमें तो नाटक देखा मैंने तो तुम्हारा वीडियो देखा था अब ये तो आपस में लड़ रहे हैं ये कहाँ क्या करेंगे आगे कहाँ की सफलता प्राप्त करेंगे बताई बोले लड़ाई तो आप करो थे मैं क्या मैंने तो प्रैंक करा था मन्ने की बिरा था हिसाब पे वो हो जाएगा प्रैंक मन्ने भी ना पता था सच बताइए पर तने सच के काट दिए के कम मुंह काट दिए तने तुम तो प्रैंक कर रहे थे लोग बाग तो ये बच्चे तो ये सोचेंगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं बड़का का था सर पड़ेगा बच्चे बच्चे थोड़ा सोचेंगे कि ये प्रैंक कर रहे हैं बच्चे तो ये सोचेंगे कि ये लड़ रहे हैं आपस में पिछली बार बना था हम रोते रोते वहाँ पागल हो गए खेत में भी वो मेरे वो बिल्कुल उस दिन किसकी गलती थी बता नहीं जब तो मेरी गलती थी उस दिन किसकी गलती थी मैं बिना करूँ सॉरी ये भी रोई मैं भी रोया अगर तेरे को कुछ हो जाता तो हम क्या करते या इसको कुछ हो जाता तब क्या करते हम लोग एक तो सोचो ना अच्छे बना करो यो को मत करो ईसा जो अच्छे ढंग के अच्छे बढ़िया लग गए सब देखे खुश हो हाँ भाई बहुत अच्छे बना रखे बहुत बहुत कमल बनाए हाँ संदेश दिया करो भाई बढ़िया काम किया करो जो अच्छे बताए तुम लोगों को सभी भाई बड़े अच्छे आदमी है भाई बहुत अच्छा है लड़का भी अच्छा है बहुत अच्छे बनाता है कोई भी बात उसी को ना बहुत बढ़िया बनाता है गलत काम ना करता कितने अच्छे बना रखे हैं संदेश अच्छा दो उसमें अच्छे ऊपर और भी ऊंचा जाता है अच्छे अच्छा करोगे तो अच्छा ऊपर उठोगे भाई और ऊपर जाओगे ऐसे थोड़ा ही अच्छे करो कुछ का कुछ करें
अच्छे काम करा करो। अच्छा तो यार ठीक है, चलो अपना 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 धंधा देखो, साफ सफाई करो, नीचे चलते चलो साफ सफाई करो। अब तो तुम समझा दिए हो, आगे से अच्छा ना अच्छा करना, ये ऐसा बुरा काम ना करना, ठीक है? हाँ चलो आओ, ठीक है ना? ठीक है। कैसा लग गया डांट खा के और मेरे तभी डांट खवा के? कैसा लगा लड्डू बता भाई, कैसा लगा? क्यों भी प्रैंक था है? आगे तो हम ऐसे प्रैंक नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। अच्छे तो वाले प्रैंक, सॉरी हमने भैया सा प्रैंक बनाया, लेकिन हमारा भैया सा कोई मोटिव नहीं था कि किसी को हर्ट करना या ऐसा भी कुछ, लेकिन भाई लगता भाई किसी को लग भी सकता है कि भाई किसी का भाई होता है, उसने इतनी गंदी गंदी कहनी, शायद किसी ने ना आज सीना देखा होगा कि इतनी बुंडी भी को कैस कह है कि मेरे घर तले कड़ा रही है कर भाई, उसके लिए सॉरी। आगे इतना बना हुआ है, पापा बिछो मारे थे कि भाई के कर रहे हैं, मेरे पापा ने कमेंट पढ़ लिए कि इतने गंदे गंदे बकवास कर रहे हैं ये भी, कि तुम के बना लग रहे हो, के कर लग रहे हो, तुमने शर्म ना आती कई चीज़ तो इस मारे भाई सबको, आई एम सॉरी, तभी बोल दीजिए सॉरी। सो गाइज हम आगे से ऐसे प्रैंक नहीं बनाएंगे, मतलब हम यूँ सोचा है कि इससे मतलब एंटरटेनिंग ज़्यादा बनावा, हम के फैमिली ड्रामा कम दिखाएं, तो हम आगे से ध्यान रखेंगे। सॉरी एवरीवन कि आपको मतलब किसी को अच्छा लगा है प्रैंक, लेकिन प्रैंक ही था, कोई मन मोटाव वाली बात नहीं, और हमारी फैमिली में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे से या तो मतलब बात नहीं करते या कुछ नहीं। वो जैसे मैसेज आई थी कि ये रियल है नहीं है, वो रियल नहीं था, वो सब गुस्से में निकला हुआ वर्ड्स थे जो मैं वापस लेती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं था। बाकी हम दोनों की फैमिली भी बिल्कुल बॉन्डिंग है अच्छी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट व्लॉग देखोगे आपकी सफाई का। बिल्कुल हमने नीचे से, आप बोल रहे थे कि इतना बड़ा घर है ड्राइंग रूम नहीं है, तो हम ड्राइंग रूम सेटअप कर रहे हैं, तो वो व्लॉग आपको कल दिखेगा। तो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग हमारे साथ देखते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ओम, बाय।